सीताराम दोस्तों दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं संत कुंज बिहारी दास जी की कुटिया में। ये महाराज जी की कुटिया है जो पन्नी से तंबू तान कर रोड में रहते हैं, और ये महाराज जी का यहीं पर धूना है। अपने धूना में महाराज जी बैठे हैं, और बगल में महाराज जी की कुटिया भी बन रही है, आप देख सकते हैं। अभी महाराज जी से जानेंगे कि उनकी तबीयत कैसी है और कुटिया में क्या समस्या है, बन रही है कि नहीं बन रही है। सीताराम महाराज जी, जय जय श्री सीताराम। महाराज जी तबीयत कैसी है अब? तबीयत आराम हुआ है, आधे से ज्यादा आराम हो गया है। अच्छा, दवाई महाराज जी अभी हैं कि मंगानी है? दवा भी है, अमावस तक चलेगी, अमावस के बाद फिर मंगाना पड़ेगा। अच्छा, तो महाराज जी कितने की आएंगे? एक महीने की। एक महीने की दवा कितने की आएगी महाराज जी? 2700-2800 की। 2800 की लगभग आएगी। तो अभी कितने महीने का कोर्स बाकी है? अभी ये दूसरा महीना चल रहा है। अच्छा, अभी 4 महीने और चलेगी। अच्छा महाराज जी, ये लीजिए, आप अगली खुराक के लिए 1600 रुपए हैं जी। तो आप जो है इनमें अगली खुराक जो है मंगा लेना। भोलेनाथ जो है जी, भक्तों को बार बार ये जीवन, ये धर्म ऐसा भगवान दे कि हमेशा जो है बरकरार रहे। तो तबीयत में महाराज जी सुधार हो रहा है? हाँ, तबीयत में सुधार हो रहा है। अच्छा, अब थोड़ा बहुत भोजन बना लेते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं। हाँ, और पानी वानी भी कर लेते हैं। अच्छा, और कहीं नमक रोटी बनाना है तो बना भी लेते हैं। अच्छा जी, और इधर महाराज जी आपकी वो चल रही है, मतलब एक कुटिया का निर्माण चल रहा है? ये कुटिया का निर्माण चल रहा है तो हाँ। रमेश भाई जी ने जो है कुटिया का सारा निर्माण कराया है। अच्छा, पूरा? हाँ, शुरू से अंत तक। और बीच में मौनी बाबा जो है 1000 ईंट भर भिजवाए दिए थे। अच्छा, शुरू में बाकी कोई सेवा नहीं किया। अच्छा, उसमें जो है सीढ़ी बना रहे थे, चला रहे थे, तो सीढ़ी में पता लगता है कि जो है 50,000 रुपया उनके खाते में चला गया है, मौनी महाराज के। मौनी महाराज के। अच्छा, और मौनी महाराज से हम पूछते हैं कि महाराज जी कोई पैसा आया हो तो आगे का निर्माण कराओ, तो कह रहे हैं हमारे खाते में पैसा ही नहीं आया। अच्छा, और छत के लिए उन्होंने मांगा है कि छत पड़ जाए, नीचे का फरस पड़ जाए और छपाई हो जाए। तो अभी छत नहीं पड़ी महाराज जी? तो न छत पड़ी है और ना ही टीन पड़ी है, जैसे उठ भर गया है खाली। अच्छा, मतलब ये दीवालें इतनी बन गई हैं, चारों तरफ से दीवालें चारों तरफ से बन गई हैं, अब छत बाकी है। छत बाकी है, छत डल जाए या टीन जब डल जाए। रमेश भाई तो टीन तक बोले थे। अच्छा, तो रमेश भाई ने जितना किया है अच्छा किया है, वो करते चले आ रहे थे। पर बीच में जो है वो मौनी महाराज जो है कटक्षण कर दिया कि उन्होंने पैसा जो आना चाहिए था रमेश भाई के खाते में, तो वो भक्त जो है ध्यान नहीं दिए, न निगरानी भी दिए। मैंने कई बार जो है क्वेश्चन किया है कि रमेश भाई कर रहे हैं जो भी कार्य कर रहे हैं, और ये महाराज जी खाली ईंट भर 1000 भेजवा दिया। अच्छा, 1000 ईंटा मौनी महाराज डलवाए हैं बस, इसके बाद कुछ नहीं किया? इसके बाद कुछ नहीं, ना सीमेंट का पता, ना बारू का पता, ना गिट्टी का पता, ना लोहा का पता, और सारा कार्य जो है लोहा से, ईंटा से, गिट्टी से, लेबर से, मजदूर से रमेश भाई करवाए हैं। अच्छा, रमेश भाई पटेल जी। और जब छत नंबर पड़ आया, नंबर डालने का, तो उसमें बीच में भांजी मार दिया मौनी महाराज, क्या बोल दे कि हम करवा रहे हैं। अच्छा, और जो है ये कार हमारा है, कार हो गया है, संपन्न हो गया है, और हम समझ ना पाए कि ये अपने ऊपर ले जाएंगे, और जहाँ हम बोलते थे तो वो रील जो है काट देते थे। अच्छा, कि इनका कार नहीं है, ये कार गणेश भाई जी का है, तो वो रील काट देते थे, वो अपनी रील जो है आगे बढ़ा देते थे कि हाँ ये देखो कार यहाँ तक हो गया है। मतलब बोल दिए थे कि छत में डलवाऊंगा, फिर डलवाए नहीं है, डलवाए नहीं, ऐसे पड़ी है तब से जी। अच्छा, आज 15 दिन से ये पड़ी है जैसे। अच्छा, तैसे।
और ना ही आज तक मौनी महाराज आए और ना ही कुछ बताए कि तुम्हारा पैसा आ गया है, टीन का आ गया है कि छत का आ गया है कि प्लास्टर का आ गया है कि जो है छपाई का आया है, आज तक कोई जानकारी नहीं दी। अच्छा जी, तो इतना मतलब दीवार खड़ी हो गई है, बाकी कार अभी शेष है, मौनी महाराज सब बिगाड़ दिए। पूरा कार हो गया तो मौनी महाराज बिगाड़ दिए। तो इधर अभी आप इसी तरह पन्नी के नीचे ही रहते हैं महाराज जी? जी हाँ, अभी उसी प्रकार जो है पन्नी के नीचे रह रहा हूँ। हाँ, तो देखा दोस्तों महाराज जी की तबीयत में कैसा सुधार हो रहा है, अभी हमने जानकारी लेकर आपको बता दिए हैं। और इधर महाराज जी की एक कुटिया है जो इतनी बनी है और इसमें छत का काम अभी शेष पड़ा है और उसमें कुछ समस्या है, वो महाराज जी आपको बता ही दिए हैं। तो दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।